राम राम सब ने कती आवाज नहीं आई मने बेरा नहीं पट राम रो तक मैं बैठे राम राम सब ने और सब ठीक हो। हरियाणा में सर ने प्रोग्राम रखा है और वैसे तो स्टेज पे पढ़ते हुए 2 साल हो गए पर अपनी धरती पे पढ़ने का यो पहला मौका है। छोरी जब मायके आवे उसके अलग ही भाव होया करें तो मैं भी कुछ ही साय सुनाऊंगी। अपने बड़ी अच्छी रस्म है हरियाणा में सावन में बहन भाई की बाट देखा करें तो उस पर मैंने कुछ लाइन लिखी थी। जो लोग अपना बोली अपनी जगह छोड़ के बाहर जा रहे हैं आजकल उनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है तो वो ही सुनाऊंगी मैं आपने कि एक बहन किस तरह अपने भाई ते संदेश भेजा है और किस तरह की बात कहेगी वो सुनियो। उड़ जाइए रे कागा मेरे वीर ने मेरा संदेशा तू सुनाइए तेरी बेबे टो वैतने वीर रे आँख्या में भर के नीर रे तेरी बेबे टो वैतने वीर रे आँख्या में भर के नीर रे कद सी आवे मेरी माँ का जाया कद सी सुनाऊ मन की पीड़ रे कद सी आवे मेरी माँ का जाया कद सी सुनाऊ मन की पीड़ रे कि तेरे खासी भी हो जा तो मैं पीर मनाऊ उन्ने खवाऊ हलवा खीर रे कि तेरे खासी भी हो जा तो मैं पीर मनाऊ उन्ने खवाऊ हलवा खीर रे मेरे दिल पे चले जब सूल के हिचकी भी ना आती मेरे वीर रे मेरे दिल पे चले जब सूल के हिचकी भी ना आती मेरे वीर रे दुखी भी रह लू भूखी भी रह लू दिन काढू पी पी नीर रे दुखी भी रह लू भूखी भी रह लू दिन काढू पी पी नीर रे और तेरी चौखट से भाई घनी ऊंची तेरी चौखट से भाई घनी ऊंची बिन बुलाए ना आऊ वीर रे बिन बुलाए ना आऊ वीर रे। और एक बहन खातर तो इतना नाम में काफी है कि आज उसका भाई आने वाला है वह उससे टाइम सुबह 4 बजे उठेगी और चोरी हो क्या कती सारा काम ने उस स्पीड तक करेगी तो उस पे के कही है कि माँ बाबू का तू से लाडला मेरी तो तू शमशीर रे माँ बाबू का तू से लाडला मेरी तो तू शमशीर रे तेरे नाम ते कांबे काल भी मेरे नेड़े ना तवीर रे कि तेरे नाम ते कांबे काल भी मेरे नेड़े ना तवीर रे और तू बसता रवे रहती दुनिया तलक हस्ती रवे तेरी हीर रे तू बसता रवे रहती दुनिया तलक हस्ती रवे तेरी हीर रे और सामण में इबके जल्दी सी आइए सामण में इबके जल्दी सी आइए संग में भतीजे लाइए वीर रे संग में भतीजे लाइए वीर रे। बहुत शुक्रिया। और बात हुई है कि हरियाणा और ये लगा लीजिए हमारा उत्तर भारत जो है वो रिश्तों को अपनाने का एक उदाहरण है पूरे इंडिया के सामने या विदेशों में भी कि गांव की बेटी अगर किते बस स्टैंड पे भी मिल गई या दूसरे शहर में भी मिल गई तो जिस आदमी का जो ब्योत हो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए उसका सर पे हाथ धर के देवे। उस हरियाणा में जब अगर जमीन के हिस्से की बात आई तो क्या हुआ कि या कौन सी हवा चली जमाने की द्योता द्योती जमीन बंटवावेंगे नाने की या कौन सी हवा चली जमाने की द्योता द्योती इब जमीन बंटवावेंगे कि नाने की उनकी माँ जो अपने भाइया पे वारी वारी जावे थी बुखार की सुनते सांझ ने बाजी आवे थी बुखार की भी सुनते सांझ ने बाजी आवे थी कि अपने भाई के राखी बांधे बिना व रोटी बिना खावे थी और अपनी विदाई वाले दिन भी भाई की खैर मनावे थी कि अपनी विदाई वाले दिन भी भाई की खैर मनावे थी दिन रात ध्याड़े भर के खून का पसीना करके नाना ने यो आलना बनाया था कि दिन रात ध्याड़े भर के खून का पसीना करके नाना ने यो आलना बनाया था और बेटी के ब्याह की खातिर बैंक ते भी कर्जा उठाया था मामा इब तक कर्जे की किस्त पुगारा था दिन रात मेहनत करके इब्बे तो कर्जा तारा था दिन रात मेहनत करके इब्बे तो कर्जा तारा था लड़ी लड़ाई किसे बाण ने भाई पे मुकदमा कराया था फिर देश की बड़ी अदालत ने सब खातरियों कानून बनाया था बेटी लेगी बराबर हिस्सा बाप की जमीन के टुकड़े करके और बेटी लेना चाहिए हो तो उसकी औलाद भी ले सके से लड़के वारे जमाने वारे कानून यो के चाड़ा कर दिया भाई बाण का पवित्र रिश्ता जमीन के हिस्से ते अलग कर दिया इब किसकी कोथड़ी किसकी पीड़िए भाई लेकर आवेगा हिप तो छोरी का बटेऊ और छोरा हिस्सा मांगन जावेगा।
हाथ जोड़ बिनती करूं मैं अपनी बाणा ते। जमीन नी पढ़न का अधिकार मांग लो थम अपने घर के आपे। जमीन नी पढ़न का अधिकार मांग लो थम अपने घर के आपे। और पढ़ा लिखा मने बाबू अफसर बन दिखलाऊंगी, पढ़ लिख के ने मैं आपे मजबूत हो जाऊंगी। ना देना पड़े दहेज तने, ना ब्याह की चिंता करनी पड़ेगी। और भाई बाण का प्यार बना रहे, ना कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ना कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।